हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बेसलाइन टेस्ट 2023-24 विषय हिंदी कक्षा 9वीं को हल करेंगे, जो आपके विद्यालय में जैसे ही आप कक्षा 9वीं में प्रवेश लेंगे तो आपका एक टेस्ट होगा जो बेसलाइन टेस्ट के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि यह बेसलाइन टेस्ट इसलिए लिया जाएगा क्योंकि आप 8वीं कक्षा तक जो कोर्स पढ़ के आए हैं तो आप में कितनी क्षमता है पढ़ने की, आप में कितना सीखा है, इस सारे चीज़ के लिए आपका जो बेस है, बेसलाइन क्या है, जो बेस है, बेस उसका टेस्ट होना, आपके पास ज्ञान कितना है उसका टेस्ट इसमें होना है। और इसके बाद में फिर बेसलाइन के बाद में आपको ब्रिज कोर्स पढ़ाया जाएगा, फिर ब्रिज कोर्स के बाद में फिर एक टेस्ट होगा जो मिडलाइन टेस्ट होगा, फिर इन सारे टेस्टों का आपको अंक दिया जाएगा। तो हम देखेंगे इसमें बेसलाइन टेस्ट 2023-24 विषय हिंदी कक्षा 9वीं। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और ऐसे ही बेसलाइन टेस्ट की विषयवार जानकारी आपको प्राप्त होते रहे। तो बच्चों, हम देखेंगे इसमें कक्षा, यहाँ पर जो प्रारूप दिया हुआ है कक्षा 9वीं, कुल अंक 50 का है। नाम यहाँ हमने यहाँ पर लिखा है, उदाहरण के लिए आप अपना जो नाम है वो है लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है श्याम, और शिक्षक के द्वारा जो प्राप्त रहेंगे प्राप्त अंक आप जो प्राप्त करेंगे यहाँ पर दिया जाएगा। फिर विद्यालय का नाम तो हमने उदाहरण के लिए लिखा है उत्तर माध्यमिक विद्यालय रायसेन। समय 90 मिनट का रहेगा। आप लिंग दिया हुआ है, आप लड़का है या लड़की है, तो हमने यहाँ पर चूंकि श्याम लिखा है तो यहाँ पर लड़का में राइट का निशान लगा दिए हैं। दिनांक जून 2023 इस प्रकार से फिलअप कर देंगे हम जानकारी। इसके बाद इसमें जो है 3 से 5 स्तर 0 से 20 अंक के लिए है, 6 से 8 स्तर 21 से 40 अंक के लिए, 8 स्तर पूर्ण 41 से 50 अंक के लिए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं विद्यार्थियों के लिए ध्यान देने योग्य बातें हैं। नंबर एक, प्रश्न पत्र में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। नंबर दूसरा है, यह परीक्षा नहीं है, विद्यार्थी इस प्रश्न पत्र को सहजता से हल करें। नंबर 3, कुछ प्रश्नों के लिए विकल्प दिए गए हैं, उनमें केवल सही विकल्प पर ही सही राइट का निशान लगाएं। ये थे निर्देश आपके लिए। अब देखेंगे यहाँ पर हम नीचे दिए गए चित्र को देख करके दिया गया वाक्य पूरा कीजिए। एक अंक का है, क्या है दिया गया यहाँ पर, बच्चे खालिस्तान क्या कर रहे हैं, इस चित्र को देखना है। तो बच्चे जो है किताब पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, आप दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुन करके लिखिए। अब यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं और इसमें उचित जो आपको सही लग रहा है उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर है, मैं विद्यालय की खाली की ओर जा रहा था, जी यहाँ पर और है और ओर है, तो ओर जा रहा हूँ ये आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए आप, प्रश्न अगला है, सभी के ऊपर राज करना, और यहाँ पर राज आएगा खालिस्तान में, राज करना और सभी के राज जानना उसे बहुत पसंद। दोनों जगह राज राज है, तो दोनों जगह राज राज, एक एक अंक का है ये। इसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे घना पेड़ काहे का होता है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आम केला और नारियल का, तो आम का होता है, तो आम यहाँ पर लिख देंगे हम। अगला है, अब समय समाप्त, यहाँ पर समाप्त समाप्ति समाप्ति लिखा हुआ है, तो समाप्त हो चुका है, यहाँ समाप्त लिख देंगे। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों को सही अर्थ प्रदान करने के लिए उचित मुहावरों पर सही राइट का निशान लगाइए। अब देखिए आप यहाँ पर, नंबर एक, मोहन ने मैरिड में आने के लिए खालिस्तान, अब यहाँ पर क्या है, दो ऑप्शन दिए हुए, इसमें से एक सही है जिसमें राइट का निशान लगाना है, तो नाक में दम कर दी। दूसरा है, दिन रात एक कर दी, तो दूसरे वाला जो ऑप्शन है दिन रात एक कर दी, इसमें राइट का निशान लगा देंगे। इसके बाद सेकंड है, शरारती बच्चे शिक्षक को आता हुआ देखकर क्या करते हैं, देखिए आप, ईद का चांद हो गए या 9/2/11 हो गए, तो 9/2/11 हमें भाग गए, तो यहाँ पर हम इसमें राइट का निशान लगा देंगे। इसके बाद में है,
या है लिखकर निम्नलिखित वाक्य पूर्ण कीजिए। जैसे कि हम पहला देख रहे हैं, अमिता सो रही है, तो है यहाँ पर आ जाएगा, और बिल्लियाँ दूध पी रही है, तो यहाँ पर ये बिंदी नहीं रहेगी इसमें, और ये इसमें बिंदी रहेगी, तो इस तरह से हमारा सही हल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम अगला जो है, अगला पेज में रेखांकित शब्दों के स्थान पर उसी अर्थ वाला शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। ये 2 अंकों का है। अब देखिए यहाँ पर, आज मैंने अपने मित्र की सहायता की, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर रेखांकित वाक्य कौन सा है, मित्र है, तो इसके समय समान अर्थ वाला शब्द हमें प्रयोग करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए आप, आज मैंने अपने, यहाँ मित्र लिखा है, तो यहाँ हम दोस्त की सहायता की, तो इसका जो समान अर्थ है वो दोस्त है, तो यहाँ सारे वाक्य वैसे जैसे कि वैसे रहेंगे, सिर्फ यहाँ रेखांकित वाक्य है मित्र, उसकी जगह में दोस्त हो जाएगा, तो इस तरह से हम इसको हल कर देंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न, सम्राट अपने उत्तराधिकारी को चुनना चाहते थे, इसका अर्थ है कि राजा एक ऐसा व्यक्ति खोजना चाहते थे जो नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प का चयन कर लिखी। ये भी 2 अंक का है। अब देखिए विकल्प 4 दिए हुए हैं इसमें, का हमेशा अपनी माँ का कहना मानता हो, खा है अपनी कभी असफल ना हुआ हो, गा है उनका स्थान ले सके, और घा है तंदुरुस्त हो। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर सम्राट अपने उत्तराधिकारी का मतलब उनका, उनके बाद वैसे ही स्थान ले सके, तो उनका स्थान ले सके, यहाँ पर ये वाला तीसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, तो इसको भर देंगे। इसके बाद आगे देखेंगे हम, मैं आज से पहले दिनेश से कभी नहीं मिला। अब देखिए आप, मैं आज से पहले दिनेश से कभी नहीं मिला, ये भी 2 अंक का है, और वह वाक्य चुनिए जिसका अर्थ ऊपर दिए गए वाक्य के समान हो। तो यहाँ पर 4 वाक्य दिए हुए हैं, पहला है मैं दिनेश से आज पहली बार मिला, दूसरा मैं दिनेश से कुछ समय पहले मिला, तीसरा है यहाँ आने से पहले मैं दिनेश से मिला, और चौथा है मैं दिनेश से इससे पहले एक बार मिला। अब देखिए आप समान कि यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से कि मैं आज से पहले दिनेश से कभी नहीं मिला, मतलब इसके पहले कभी नहीं मिला, तो हमारा ये वाक्य जो सटीक बैठता है वो पहला वाला है कि मैं दिनेश से आज पहली बार मिला, क्योंकि आज से पहले कभी नहीं मिला था मगर आज पहली बार मिला, ये वाला वाक्य सही हो जाएगा, तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे खाली जगह में। इसके बाद देखिए आप 12वां प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य को सार्थक शब्दों के प्रयोग से पूरा कीजिए। ये भी 2 अंक का है कि क्या देखिए क्या भरना है यहाँ पर, आज मैंने विद्यालय में इसको पूर्ण करना है, तो आज मैंने विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया, यहाँ पूर्ण विराम हो जाएगा, वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो उचित लगे आपको, जैसे मैंने आज विद्यालय में संगीत सीखा, आज विद्यालय में खेल खेला, बहुत सारे वाक्य जो आप लिख सकते हैं। इसके बाद 13वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगा करके सार्थक वाक्य बनाकर लिखिए। 2 अंक का है। क्या दिया हुआ देखिए आप, प्रत्येक अपने कर्मों का फल व्यक्ति भोगता है, तो हम इसको सही क्रम में कैसे लगाएंगे, देखिए प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, तो हमारा ये क्रम सही हो जाएगा। क्या लिखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। इसके बाद देखिए 14वां प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य को प्रश्न के रूप में पुनः लिखिए, प्रश्न के रूप में लिखना है, तो मैंने मिठाई खा ली है, इसको प्रश्न के रूप में लिखना है, तो यहाँ पर देखिए आप, क्या आपने मिठाई खाई है, क्योंकि और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, क्या आपने मिठाई खाई है, इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद 15वां प्रश्न है, कक्षा में आए नए विद्यार्थी श्याम और शिक्षक के बीच संवाद को पूरा कीजिए। 2 अंक का है। अब देखिए यहाँ पर, शिक्षक स्वयं, आपका नाम क्या है, शिक्षक किससे पूछ रहा है, श्याम से पूछ रहा है, तो श्याम अपना नाम बताएगा, तो श्याम से पूछा गया है, इसलिए श्याम का नाम तो श्याम ही है, तो श्याम क्या बताएगा, उसका नाम श्याम ही है ना, जी मेरा नाम श्याम है। अब शिक्षक, आपके पिताजी का नाम क्या है, शिक्षक पूछ रहा है श्याम से, तो उन्होंने बताया श्याम ने, अशोक कुमार, तो इस तरह से
वार्तालाप को हम पूर्ण कर देंगे। इसके बाद देखिए 16वां क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्हों में से सही विराम चिन्ह का प्रयोग कर नीचे दिए गए वाक्य को पुनः लिखिए। दो अंक का है। मेरे पास पुस्तक नहीं है, क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दोगे? तो यहाँ पर देखिए आप कैसे हम इसको, यहाँ पर चार विरामों का कोष्टक में दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे हम कैसे उपयोग करेंगे। मेरे पास पुस्तक नहीं है, पूर्ण विराम लगा देंगे, क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दोगे? यहाँ प्रश्न वाचक चिन्ह लग जाएगा, इस तरह हमारा जो है विराम चिन्हों का उपयोग कर लेंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़कर प्रश्न क्रमांक 17 से 19 के उत्तर लिखिए। अब क्या है, देखिए आप, एक जंगल में परिजात का एक वृक्ष पेड़ था। परिजात का कोई मुकाबला नहीं था, उसकी सुंदरता बेजोड़ थी, उसका रंग रूप निराला था। परिजात को भी अपने गुणों का पूरा पूरा पता था। नीले आसमान में सिर उठाकर उठाए इस शान से खड़ा रहता था, मानो पेड़ों का सरताज हो। जब बाहर के दिन आते तो परिजात अनगिनत नन्हे नन्हे फूलों से लद जाता है। लगता है मानो किसी ने आकाश से सारे तारे तोड़कर परिजात की शाखाएं पर टांग दिए हो। नन्हे फूलों से झिलमिलाता परिजात जब सुगंध भरी पराग जंगल में बिखेरता तो जंगल नंदन बन जाता। चुंबक की तरह परिजात सबको अपनी तरफ खींचता, जिसे देखो वही परिजात की तरफ भागता। सतरंगी सालहोड़े चटकीली तितलियां सहेलियों के साथ झुंड का झुंड बनाकर परिजात का श्रृंगार देखने आती, तथा जाते जाते फूलों को खींचकर पराग अपने साथ ले जाती। ये था वाक्य। अब इसमें प्रश्न पूछा गया है 17, जंगल में किसका पेड़ था? तो किसका पेड़ था, हमने यहाँ पर देखा परिजात का पेड़ था, तो यहाँ पर परिजात का लिख देंगे। अगला प्रश्न है, परिजात अपने आप को स्वयं क्या समझता था? तो परिजात का वृक्ष अपने आप में यह समझता था कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ऐसे हम इसका उत्तर लिख देंगे। इसके बाद देखिए 19, तितलियां क्या करती थी? तो यहाँ पर उत्तर लिख देंगे, तितलियां झुंड के साथ आती थी और परिजात के वृक्ष का श्रृंगार देखती थी और वापसी में अपने साथ पराग को ले जाते थे। ये भी सारे जो है दो दो अंकों के हैं। इसके बाद देखिए 20वां प्रश्न है, अपनी पसंद के किसी एक राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में दो वाक्य बना करके लिखिए। तो अपना आपका जो पसंद का त्यौहार है उसके विषय में आप लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है रक्षाबंधन या भाई बहन का त्यौहार है। दूसरा पॉइंट है, इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए आप चित्र को देख करके उसके बारे में तीन वाक्य लिखिए। चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे, खेल का मैदान है और यहाँ खेल खेला जा रहा है, तो यह एक खेल का मैदान है। इस मैदान में सभी बच्चे आपस में मिलकर खेल रहे हैं, कुछ बच्चे साइकिल चला रहे हैं एवं बच्चे गुब्बारे भी उड़ा रहे हैं। तो इस तरह हम इस मैदान खेल के मैदान में बच्चों को जो हो रहा है यहाँ पर हम देख करके लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 22वां है, नीचे दिए गए पत्र को पूरा कीजिए। चार दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ये 6 अंक का है, प्रति में है, कैसे लिखेंगे देखिए हम। श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, शासकीय उमावी रायसेन विद्यालय, क्षेत्र रायसेन, शहर रायसेन, विषय है 4 दिन का अवकाश हेतु आवेदन पत्र, ये विषय में हो जाएगा। अब यहाँ पर है, महोदय जी, निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह संपन्न होना है, इसलिए मुझे दिनांक 4/9/2023 से 7/9/2023 का अवकाश स्वीकृत करने की महान कृपा करेंगे जी। इस तरह से हम पत्र को लिख देंगे, सर धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी से श्याम, कक्षा 9B। अब यहाँ पर दिया है, दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प पर सही राइट का निशान लगाइए। क्या है उपयुक्त पत्र को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सूचना देना, शिकायत करना, अवकाश लेना। तो अवकाश लेना मुख्य उद्देश्य पत्र लिखने का। तो इस तरह से हमारे वेस्टलाइन टेस्ट 2023 विषय हिंदी संपूर्ण हल के साथ तैयार हो जाती है। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह वेस्टलाइन टेस्ट विषय गणित विषय अंग्रेजी को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।